بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على آداء اجمعين الى قيام يوم الدين منبر امام حسين عليه الصلاه والسلام هو يا محراب المسجد 이게 دونوں وہ جگائیں ہیں کہ جہاں سے سب سے زیادہ مكتب اهل بيت عليهم الصلاه والسلام लिहाजा मजा हुसैन सुल्ल का भी जो सबसे अहम हदफफ़ है वो है दीन रसूल सल्ला वसलम का दिफा अब यहाँ पर इस चीज़ की जानेब हम तोज्जो दिलाए कि अगर कोई शख्स ईसाई से मुसलमान हो और फिर वो पब्लिक में आकर या कुरान के बारे में शक डाले या रसूल सल्ह वसलम के बारे में या अगर कोई शख्स गैर शिया हो और शिया होने के बाद अगर शियों से रिलेटेड मौजुआत को हमेशा एक नेगेटिव अंदाज से डिस्कस करे और लोगों को मशकूक बनाए तो यहाँ पर ज़िम्मेदारी है ममिन की कि हर ऐसे फ़र्द के बारे में डिस्कस किया जाए कि पहले ये किस दीन में था और या किस मजहब में था अब जब ये मुसलमान हो गया है ईसाई से तो ये बताए कि क्यों मुसलमान हुआ अगर उससे खदशात थे तो उसको मुसलमान नहीं होना चाहिए था और अगर उसको कुछ सवालात पूछने हैं तो आम जाहिल पब्लिक से ना पूछे जाके उलमा से पूछे इसी तरह से अगर कोई आया हो किसी और मजहब से पैदा हुआ हो किसी और मजहब और घराने में बाद में वो शिया हो जाए तो जो भी है वो हमारे आंखों पर लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा हो लगातार के जिससे कौम में इख्तलाफ और कन्फ्यूजनस हो रहे हों तो यहां पर जिम्मेदारी है सबसे पहले की कि वो उन बातिल नजरियात को के जो शख्स के जरिए से बयान हो रहे हों उनको रद्द करें। हम ऐसे अफराद को ये नहीं कहते कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए लेकिन उनके गलत नजरियात पर अटैक किया जाए और पब्लिक को भी आगाह किया जाए अब जो हम मौजू डिस्कस करने वाले हैं वो लाहौर के एक मदरसे के बानी और मुंतजम के हवाले से है यानी आगा जवाद नकवी दुआ के खुदाबंद उन्हें तोफी अता फरमाए कि वो मजहब अहलबैत में इख्तलाफ का सबब ना बने और अगर यहां से वह मुतमिन नहीं हैं तो जिस खानदान में और मकतब में पैदा हुए थे बेहतर है कि वहां चले जाएं और अगर सवाल हों या नजरियात हो तो आम और सादा लोगों को कंफ्यूज ना करें अब यहां पर एक मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं कि कभी इनकी जानब से इसमत अंबिया पर हमला होता है कुरानी करीम में है कि असा आदमो हो आदम ने रब की नाफरमानी की है आप तमाम तमामा खसूस इमामिया ज्यादा इस मसले पे, पेलमाए सुन्नत के लिए इतना अहम नहीं है लेकिन उलमाए इमामिया ने तमाम ओलमा ने इस मसले में सब ने मुत्तफिकन कहा है कि नहीं किए कुरान कह रहे किए आदमो रबाह आदम ने रब की नाफरमानी की है वो शजरा खाकर ये कहते हैं कि नहीं की है जहां सोचना चाहिए कि हम किसके मुकाबले में खड़े हुए हैं कभी और बाज मुसलमत शिया में यह रखना डालते हैं कभी हम देखते हैं कि हौज अलमिया पर हमला हो रहा है दरसे खारिश पर हमला किया जा रहा है दीनी किताबें ऐसी हैं निशाब की किताबों की बात कर रहा हूं तमाम ओलूम की ऐसी किताब पहली किताब तालब पढ़ता है फिर उसके बाद दूसरी दूसरे मुसनफ की पढ़ता है और दूसरे मुसनफ ने पहली किताब के सब मताले को रद्द कर दिया कहा यह सब बातिल हैं जो आपने पहले क्लास में पढ़ा है ये सब गलत है फिर उसको पढ़ के तीसरी निसाब में जाते हैं तीसरी क्लास में वो तीसरी वाला उसके सारे मताले को कहते हैं ये कलदम है सारे बातिल हैं यह गलत है भाई एक सीधी सी किताब बनाओ जिसके अंदर यकीनी मुसलमत बयान करो ये अगर बातिल बात है निसाब में लो ही नहीं उसको अगर सुस्त बात है निसाब में लो ही नहीं उसको यकीनी बात लो ताकि तालब इलम जो पढ़ रहा है उसका उसकी शख्सियत यकीनी वसूक के साथ बनती जाए तरदीद खत्म हो उसके अंदर पुख्तगी उसके अंदर पैदा हो ये तो तरदीत भी तरदीद आप उसके अंदर डाल रहे हैं और आखिरी जो दर्स है वो तो सब ऊपर सुहागा फेर देते हैं आखिर में दर्स खारिज जो होता है उसमें तमाम उलूम का लदम करार दिए जाते हैं कोई शख्सियात सारे कौल बातिल सिर्फ आगा साहब की बात दरस्त है जो दर्ज पढ़ा रहे हैं उनके नजरिए के सामने सारे नजरियात बा और वो भी निहायत गलीज किस्म के बादल हैं ये सारे जहर इस तरह तालीम अगर देंगे हम तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो कभी भी वसूक और यकीन की सूरत में नहीं निकलता इसका असर होता है जदलियाती तालीम का नतीजा जदली जहन और जदली शख्सियत बनती है सियासत का ऐसे असर होता है अन्नासुआ दीन हिम, लोग अंबिया के मजहब पर नहीं होते अल्लाह के दीन पर नहीं होते बादशाहों के हुकूमतों के और हुक्मरानों के दीन पर होते हैं तो कभी हम देखते हैं कि एक देवबंदी आलिम अगर इसराइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो आगे अफसन को उसमें मुलवस कर रहे हैं कि ये वो पहले कर चुके हैं जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ ये बात पहली दफा शिरानी साहब ने नहीं की इससे पहले हो चुकी है और शिरानी साहब से बड़े रैंक के आलिम ने यह बात की है और ज्यादा अफसोसनाक है कि वो आलिम भी शिया आलिम गुजरे हैं और वो कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि ईरान के सबका सदर प्रेसिडेंट रफसंजानी अली अकबर रफसंजानी ने सबसे पहले यह बात की थी कि इसराइल कौमी मसला है इसराइल अरबी मसला है जब अरबों ने उनसे सुलह कर लिया तो हमें क्या हम अपनी जंग की चूंकि ईरान का सारा मसला ही इसराइल की वजह से है ईरान इसराइल है और अमरीका है ईरान जितनी सजा भुगत रहा है सब इसराइल मुखालफत की वजह से है अब आप ये देखें लबो लहजा उनका क्या है कि शीरानी साहब ने अगर इसराइल के फेवर में बात की तो आप उस बात को कंडेम करें आपको आगे रफसन जानी का मौजू लाने की ज़रूरत नहीं थी जबकि आपने उन पर झूठ बोला ये वाला काम सिर्फ वो कर सकता है कि जो आगर शेरानी के मज़हब या मकतब में हो क्योंकि उसका ये लब लहजा होगा कि तुम अगर हमारे एक दिवबंदी आलिम का यह मौजू बयान कर रहे हो तो ये तो पहले से जो है वो तुम्हारे शिया कर चुका है ऐसा जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया यानी आगर रफसन जानी ने तो कभी तो हम देखते हैं कि वो नज़रियात में एक इख्लाफ का सबब बन रहे हैं तो कभी हम देखते हैं कि वो मरजयत पे हमले का सबब बने तो कभी हम देखते हैं कि वली फ़कीह के फ़तावा के मुकाबल अपने फ़तवे बयान करते हैं जबकि आलम की मौजूदगी में फ़तवा बयान करना आम पब्लिक के लिए जायज़ नहीं है और ना दूसरे लोगों के लिए ग़ैरअलम चे जाए कि इश्तहाद भी सबित ना हो उसके मसले पर अमल करना जायज़ नहीं है फिर ये कि जो दर से ख़ारिज वाली बातें हैं बखौल आपके दर से ख़ारिज तो बेकार था ईरान में तो आपने तो इसका मतलब दर से ख़ारिज पढ़ा ही नहीं बस अगर दर से ख़ारिज देना था तो नजफ़ या युँ में जाते क्योंकि दर से ख़ारिज का हक़ ये होता है कि दस पंद्रह बीस साल पढ़े हुए लोग कि जो ख़ुद दर से ख़ारिज के लेवल के हों वो बैठ के बताते हैं कि कहाँ बात में झोल है या प्रॉब्लम है छोटे छोटे बच्चों के सामने दर से ख़ारिज नहीं होता अब हम देख रहे हैं कुछ अरसे से क्योंकि इस वक्त हम डिस्कस करेंगे फ़त इसराइल के हवाले से जो उनके बाद नजरियात हैं जिससे वाज पता चलता है कि वो कौम को मुशविश कर रहे हैं हर वो शख्स हमारे उल्मा और खुतबा और ज़ाकरीन और मजालस की बरकत से ये जानता है कि जंगों में कुछ मुनाफ़ीन थे कि जो रसूल सल्ह वम के साथियों को डरा रहे थे और हर माम ये जानता है कि जंगों में मुसलमानों के मॉरल को डाउन करना ये गुना है और बाज लोग ये करते थे तो हम यह देखते हैं कि कभी तो यह फरमाते हैं जबकि ईरान ने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया अपनी अख्तसादियात को दाव पर लगा दिया अपने मुल्क को दावों पर लगा दिया पूरी दुनिया से टक्कर ली लेकिन यह फरमाते हैं कि एक आवाज उठा करती थी लेकिन अब तो वो भी नहीं उठती मुलाहजा फरमाइए पाकिस्तान में आप देखें कोई आवाज उठाता है कहीं भी नहीं उठाता पहले ईरान से एक आवाज उठा करती थी अब वहां से भी कोई खुल के आवाज नहीं उठती अब इन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐसा काम किया कि ईरान में भी इस मौजू पर मजम्मत हो रही है एक शख्स के बयान पर क्योंकि वो बयान उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए दिया था कि तुम लोगों ने मुल्क के अमन को खतरे में डाल दिया है ईरान के सबका इंटेलिजेंस वजीर ने अली यूनसी जो मोहम्मद ख़ातमी सदर ख़ातमी के ज़माने में ईरान के इंटेलिजेंस के मरकज़ी किरदार थे मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी हुकूमत में उन्होंने दो दिन पहले ये कहा है कि इसराइली एजेंसी मुसाद ईरान में इतना नफूज कर चुकी है कि अब एटमी तनसीबात तो ख़तरे में है ही ईरान का कोई मसूल भी इस वक्त महफूज नहीं है इन सब को अपनी जान का हिफाजत करनी पड़ेगी अभी इसराइल इतना ईरानी सिस्टम में घुस गया है ये बात पहले महमूद मिन निजाद ने की थी और अब सबका वजीर इतलात वज़ी इंटेलिजेंस ने की है कि ईरान के अंदर इतना नफोज इसराइल का हो चुका है हर इदारे में हसास तरीन जगहों पर ऐटमी तनसीबात में इसल के ऊपर और इदारों के अंदर और ये बहुत खौफनाक खबर है बहुत बड़ी वार्निंग है जो पहले से उसके नमून इशारे मिल रहे थे एटमी जौहरी साइंसदानों का कत्ल और मुल्क हसास तनसीबत में आग लगना जहाज़ों को आग लगना कश्तियों का डूब जाना नागाहान इनके गोदामों में आग भड़क उठना ये सब और इसराइल का सबका जो वजीर इतलात है इंटेलिजेंस का वज़ीर उसने अपनी वजारत के आखिरी दिन ये कहा है कि हम ईरान के अंदर कहाँ तक घुस चुके हैं उसने कहा कि मैं आपको आप, आप मुझसे ईरान के तहरान के बारे में कोई डिटेल मालूम कर लें कोई गली पूछ लें कोई अदारा पूछ लें कोई मालूम लें मैं आपको ईरानियों से ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ ये इसराइली इंटेलिजेंस के सबका वजीर ने यह बयान दिया था लेकिन हम ये देखते हैं कि एक जानब तो आगे जवाद नकवी की थ्योरी है कि जो बिल्कुल गलत है कि जो भी सियासी अख्तलाफ रखता हो ईरान के किसी मसूल से तो उसके आमाल हफ्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि दसवें और पंद्रहवें दर्जे के जाह कस्म के सहाफ़ियों के जाहलाना और मगालते वाले नज़रियात हैं ये जो अल्लाह सुबहान तरशाद फरमाया सूर हजरात की पहली आयत में या यूहदीन आमन तुकद बेन व रसूल ही वह सम तो यहाँ पर अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ना है हुक्म बयान करने में और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसमें आय में मासूमिन शामिल हो जाएंगे यानी उनसे पहले हम किसी चीज़ को हराम या हलाल नहीं कर सकते यहाँ पर किसी भी मुश्त या मर्ज़े के सियासी मसाइल से मौजूद रिलेटेड नहीं है फिर जो हफ्ते अमाल वाली बात है वो तो अगली आयत में उन लोगों के लिए है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद आवाज़ में बात करते हैं या अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ पर बुलंद करते हैं तो वो अफराद के जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिल से निकाला कमो अन्नी कह के उनका तो आप माशाल्लाह जिक्र ही नहीं करते तो अमाल तो उनके हफ्त हुए हैं लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप ही की थ्योरी के मुताबिक जहां आपने बास के नाम भी लिए मिसाल के तौर पर अहमदी नजात बखाल आपके उनके अमाल हफ्त हो गए और आगे खात्मी और आगे रूहानी के जो वज़ीर यूनुसी हैं ये सब लोग भी उन्हीं में से हैं कि जिनके अमाल हफ्त हो गए और फिर आप दलील ला रहे हैं किसकी इसराइल के सबका इंटेलिजेंस मिनिस्टर की यानी कितने अफसोस की बात है कि एक मुसलमान मुल्क मरकज़ तशैयों के खिलाफ पहले दो अफराद वो हैं कि जिनके अमाल हफ्त हो चुके हैं उनकी बात तो काबिल कबूल नहीं है आपके नज़दीक तो कभी आप तोहन कर देते हैं बड़े आराम से आयातल आज़मा बशीर नजफ़ी की अगर उन की तोहन आप कर सकते हैं तो हम आपकी तोहहीं नहीं कर रहे आपके नज़रियात को ज़रूर गलत हम साबित कर सकते हैं कभी आप आगे मोहम्मद अली के दस्तैब को इसराइली एजेंट कह दें कभी आप आयतुल्लह यूसुफ़ सानी को इसराइली एजेंट कह दें तो कभी आप असदुल्ला बयात को इसराइली एजेंट कह दें तो हम तो आपको एजेंट भी नहीं कह रहे सिर्फ ये शक कर रहे हैं कि लगता है आप अभी उसी मकतब पर बाकी हैं उसी मजहब पर बाकी हैं कि जहां पैदा हुए थे हम ये भी नहीं कहते कि आप अब, अब तक शीह नहीं हुए लेकिन अकल का तकाजा यह है कि अगर कहीं ये महसूस किया जाए कि कोई शख्स किसी और या दीन से आकर नए मज़ब या दीन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और लोगों के दरमियान ऐसी बातें कर रहा है जिससे लोग शक में मुब्तला हो जाएं तो फिर अकल का हुक्म यह है कि यहाँ एहतियात करनी चाहिए तो इन तीन अफराद से आपने ये मौजू लिया और पाकिस्तान में उन बच्चों के सामने के जिनको आप मीडिया भी नहीं देखने देते जो जो लोग उस मदरसे में हैं उनके वालदान को चाहिए कि यहाँ से अपने बच्चों को निकालें या कम से कम अपने पास बुलाया करें ये जो उनको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है सालों से या मिलने नहीं देते या दुनिया से आशना नहीं है सिर्फ इसलिए कि बताया जाए कि इस वक्त कोई भी अकल कुल नहीं है सिवाए इनके और फिर इन बच्चों को चीज़ें दिखाई जाती हैं मीडिया पर ला ला कर कमेंट्स दिखाए जाते हैं और फिर लोगों की नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं इनको पॉजिटिव बना के दिखाया जाता है कि देखें जी सारी दुनिया में इनसे बेहतर कोई नहीं है ताकि जब ये चार पाँच साल बाद कैद से निकलें इस कुएँ से निकलें तो फिर इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही हो तो ये जो आपने कहा कि इस वक्त पूरा तहरान या ईरान जो है वो इसराइल के हाथ में है कल तक ईरान दावे करता दा था हम खत्म कर देंगे आज इसराइल दावे कर रहा है सारी लीडरशिप ख़तरे में है तहरान की गलियां गलियां जो हैं वो इसराइल उससे आशना है हर जगह रसूख कर चुका है हर इदारे में रसूख कर चुका हैसास में रसूख रु, कर चुका है हर मोमिन ये जानता है कि जंग के ज़माने में दुश्मनों की तारीफ़ करना और मुसलमानों के मॉरल को डाउन करना ये एक बदतरीन गुना है तो गो किन चीज़ों को बयान करने का हमारा इरादा नहीं था लेकिन कुछ भी परेशान है ममिन भी परेशान हैं और हमें भी एहसास हुआ कि हर कुछ दिन के बाद एक नया ऐसा मौजू होता है जिससे कौम का मॉरल डाउन हो अब क्योंकि कौम हमारी इनकलाब से भी वाबस्ता है आज़ादारी से भी वाबस्ता है तो कभी हम देखते हैं कि आज़ादारी पर अटैक कभी इनकलाब पर अटैक तो ऐसे हाल में बिला शक हमें हक़ है कि अपने मजहब और मकतब का दिफा करें हम नहीं कहते कि आप अभी तक शिया नहीं हुए हम अभी भी मानने को तैयार हैं लेकिन इस शर्त के बाद कि आप शीयों में किसी कस्म का अख्तिलाफ न डालें इसी तरीके से हम तो कहेंगे कि अगर आपको साबित करना है तो वो किताबें जो मज़बा अहल बैत के ख़िलाफ़ लिखी गई उनका जवाब देना चाहिए मिसाल के तौर पर अबकातुल अनुार छपवाएँ इसी तरीक़े से अलगदीर छपवाएँ और वो किताबें जो पाकिस्तान में लिखी गई उनका जवाब दें जैसे कि आपके उस्ताद मोहतरम राज़दी साहब के वालद ने किताब लिखी शी की तकवीर पर उसका जवाब दें उनको बुलाकर बिठाने से इतिहाद नहीं होता वो तो अपनी वेबसाइट पर आपको काफिर लिख रहे हैं आपको नहीं यानी हमें तो अगर आप भी हमारे साथ हैं तो आप उनका जवाब दें लेकिन हम ये देखते हैं कि मुहर्रम आने से पहले इस तरह से आप और आपकी ये पूरी टीम सोशल मीडिया पर ममिन को बाज नादानस्म के जाकिरन के किसी भी एक प्रॉब्लम को उछालने के जरिए से कौम को मसरूफ कर देती है और फिर एक मुगालते के ज़रिए से अपनी जानब दावत दी जाती है कि जी हम हक़ पर हैं और उन्हीं मुगालतों में से मुगालता ये होता है कि जी हम पैसे नहीं ले रहे बिल आखिर ये सब कुछ जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं ये जो आपके असाती मदरसे में हैं कि जिनको वाकन शर्म आना चाहिए कि वो फ़कत रहने के लिए और थोड़े से पैसों के लिए ग़लत नज़रियात की हमायत कर रहे हैं या खामोश हैं दुआ है कि खुदा व तआला तमाम ममिन को इतना शूरता फरमाए कि जिस मेंबर से भी गलत बात हो तो इलमी तरीके से उसकी मुखालफत करें हाँ मारपीट शोर शराबा ना हो और अगर किसी की बात को गलत भी साबित करना हो तो इलमी तरीके से साबित किया जाए और अगर गलत बात से रोकना हो तो शलबात और नारे हैदरी से ज़्यादा गुफ्तु आगे नहीं जानी चाहिए और कभी भी कहीं भी किसी को भी न मारा जाए न पीटा जाए हाँ पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए हमारी दरख्वास ममिन से कि इस मदरसे के तलेबात हों या तालब हों या उलमा हों जो भी मजालस के लिए आएँ तो उनसे सबसे पहले सवाल करें कि किस्मत हज़रत आदम के बारे में जो उनके मुदीर ने गुफ्तू की उसको कन्डेम करते हैं या नहीं करते हैं क्योंकि वह उसूल दिन का मसला है अगर वह कंडम करें तो फिर उनसे आगे बात की जाए हज़रत मुख्तार का मौजू हो दीगर मौजूद हो और अगर वो कहें कि नहीं हम तो अखलाकी मौजूद बयान करने आए हैं तो उनसे वाज कहा जाए कि पहले असूल दिन और फिर फुरु दिन उसके बाद नौबत आती है किसी और चीज़ की दुआ के खुदा तबारक व तमाम ममिन ममनात को मज़बा अहिलम के ख़िलाफ़ जहाँ से जिस कस्म की भी साजिश हो रही है उसको नाकाम करने की तोहफ़ी कथा फरमाए وصلى الله على محمد واله الطاهرين